हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर ऑलरेडी डन बाय फार टिल सेक्शन. वी वर डूइंग डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स इफ यू अंडरस्टैंड, वी आर डन विथ. देर आर थ्री चैप्टर्स. फर्स्ट चैप्टर इज डन, विच वॉज 149 अप टू 172. दिस वी डन. देन देर इज अनदर चैप्टर विच गोज ऑन फ्रॉम 173 अप टू 195. ये वाला चैप्टर विच इज मीटिंग्स एंड पावर्स ऑफ बोर्ड, ये कर रहे हैं हम फिलहाल, ठीक है. एंड इसमें से ना वी आर डन टिल 187. 187 तक अपना हो गया है. नाउ वी आर गोइंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट 188 टू 195 एंड देन ऑब्वियसली वील डू द थर्ड चैप्टर 196 टू 205. ओके, अब एज वी प्रोग्रेस नाउ, ऑब्वियसली पिछले वाले वीडियो में भी 15 184 5 6 वर वेरी इंपॉर्टेंट. यर अगेन 188 189 इज वेरी इंपॉर्टेंट. 191 192 इज वेरी इंपॉर्टेंट. 3 एंड 4 तो है, सॉरी 4 एंड 5 तो है ही नहीं. ओके, बट ईयर ऑनवर्ड्स एवरीथिंग दैट कम्स इंक्लूडिंग द थर्ड चैप्टर बहुत काम का होगा, क्योंकि बहुत ध्यान लगेगा, ठीक है. तो ध्यान से सुनना. जस्ट रिमेंबर वाइल सीइंग दीज चैप्टर्स लाइक द फर्दर लेक्चर्स, इंश्योर तुम्हारा पिछला रिविजन हो चुका है. रीजन बींग आई बी रिलेटिंग सेक्शंस. ओके, अगर तुमने रिवाइज नहीं किया ना गाइस, तो तुम्हें क्लिक नहीं होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. एंड वॉट हैपन्स इज वेन आई टेल यू अ पर्टिकुलर सेक्शन, यू गो बैक चेकिंग दैट सेक्शन. टिल देन आई एम डन विद दिस पर्टिकुलर थिंग. सो आई ऑलवेज टेल यू, बुक के पेजेस मत घुमाओ, दिमाग के घुमाओ. इफ़ यू ट्राई रिकलेक्टिंग ना, एफर्ट डालो डालो 2-4 मिनट और तुम्हें याद आएगा. बट इफ़ यू गो बैक ना, योर ब्रेन स्टार्ट्स गेटिंग दैट हेल्प, तो वो सोचना बंद हो जाता. बट खुद सोच के निकालोगे, इट विल बी ईजियर. इज दिस ओके? सो मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर्स का 188 टू 195, दिस इज अ पर्टिकुलर सेक्शन विच आई कैन ओनली एक्सप्लेन बाय राइटिंग. ओके, एंड 188 189 के बाद ना एक क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, विच विल क्लियर ऑल योर कंसेप्ट्स विद 188 189. ठीक है, सो वो क्वेश्चन भी करेंगे, बट मैं तुम्हें पहले से इसलिए बता रही हूँ हम क्वेश्चन करेंगे बिकॉज सो दैट आप 188 189 इतने ध्यान से पढ़ो कि आप वो आंसर दे सको. ठीक है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस ASC लिमिटेड के क्वेश्चन होते हैं. ऑब्वियसली फास्ट ट्रैक कोर्स में हमारे वो क्वेश्चन थोड़े कम थे. ओके, वी केप देम लेसर बिकॉज वी हैड टू डू इट फटाफट. बट अदर देन दैट ASC लिमिटेड के बहुत क्वेश्चन होते हैं एंड दे आर ऑल ट्विस्टेड एंड टर्न्ड टू दैट एक्सटेंट कि ICI भी इतना घुमा फिरा के नहीं पूछता है. द रीजन ऑफ वी कीपिंग इट दैट ट्विस्टेड एंड टर्न्ड इज कि वो सिंपल फंडा बताए. अगर आप प्रीलिम्स 10th स्टैंडर्ड, इफ यू स्कोर प्रीलिम्स में 70, दे वुड से अरे फिर तो बोर्ड्स में यू स्कोर 80. द आइडिया बिहाइंड दैट इज कि बोर्ड्स इज ईजियर, प्रीलिम्स जानबूझ के ट्विस्ट होता है. सिमिलरली आई पर्पसली मेक दीज ट्विस्टेड एंड टर्न्ड क्वेश्चन सो दैट यू गेट यूज टू दैट एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनीथिंग. ओके, मेको है ना, ठीक है. सो ASC लिमिटेड का एक क्वेश्चन आएगा. ASC लिमिटेड के जो क्वेश्चन है ना, उसका इंसेप्शन इसी क्वेश्चन से हुआ था. इट्स गोइंग टू बी क्लासिक. ध्यान से सुनना एंड सुनते जाना. इज दिस ओके? सो ना टॉकिंग अबाउट सेक्शन 188 विच इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. ओके, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड यू विल बी डन विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन. सी, सबसे पहली चीज ये है 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. जस्ट टेल मी समथिंग. इफ अ कंपनी एंटर्स इनटू अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट with a related party, if a company enters into agreement contract with a related party, do you think this is 188? You think this is 188? हाँ या ना? This is 188, right? तुम्हारे हिसाब से 188 is जब company और related party के बीच कोई भी transaction हो जाए. बट एक्चुअली आई टेल यू, उसमें 188 नहीं लगता. हम जब 177 कर रहे थे तब वी हैड ऑल्सो कम अक्रॉस दोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विच विल नॉट बी कवर्ड अंडर 188. मतलब कुछ तो है, ठीक है. सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस, दिस डज नॉट अट्रैक्ट 188 गाइस. इट विल अट्रैक्ट 188 ओनली वेन द ट्रांजेक्शन आर दोज विच आर स्पेसिफाइड. वी रिमेंबर दम एज सालसा यू. वी रिमेंबर दम एज सालसा यू. सालसा यू मतलब दीज आर दोज पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जिसमें 188 लगेगा. ये लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है सालसा यू करके, जो हम याद रख रहे हैं वो लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है. सो नाउ इफ यू अंडरस्टैंड, ये ना इन टोटल चार कंडीशंस होगी. व्हेन अ कंपनी एंटर्स इनटू अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद रिलेटेड पार्टी फॉर सालसा यू, तब होता है 188 अट्रैक्ट. सो देन वी से सेक्शन 188 इज अट्रैक्टेड. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 188 अट्रैक्ट हुआ तो क्या? तो आएंगे दो अप्रूवल्स दैट यू हैव टू टेक. यू हैव टू टेक बोर्ड अप्रूवल एंड यू हैव टू टेक शेयर होल्डर्स अप्रूवल. ओके, देयर इज बोर्ड अप्रूवल एंड देयर इज शेयर होल्डर्स अप्रूवल. नाउ इफ यू टॉक अबाउट बोर्ड अप्रूवल, शेयर होल्डर्स अप्रूवल, बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स, इन दोनों के बीच में ना तो क्वेश्चन इज मैम एंड आएगा या और, गाइस इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन.
बिकॉज शेयर होल्डर्स अप्रूवल ना हमेशा नहीं चाहिए बट बोर्ड हमेशा चाहिए. सो एट टाइम्स इट कुड टर्न एंड एट टाइम्स इट कुड टर्न और यू टेकिंग ओनली वन बट बोर्ड इज ऑलवेज देयर. ओके सो इफ यू आस्क मी व्हाट आर द कंप्लायंसेस फॉर 188 इट इज एंड बोर्ड अप्रूवल एंड शेयर होल्डर्स अप्रूवल. ओके सो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. बोर्ड से पूछे बिना कंपनी में पता नहीं हिलता. सो बोर्ड अप्रूवल इज रिक्वायर्ड ऑलवेज. बोर्ड अप्रूवल इज रिक्वायर्ड ऑलवेज. ठीक है. वेरे शेयर होल्डर्स अप्रूवल कैन नॉट बी रिक्वायर्ड ऑलवेज. इतने वेले कब से बैठ गए शेयर होल्डर्स. सो शेयर होल्डर्स अप्रूवल विल बी रिक्वायर्ड ओनली वेन ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब लिमिट्स. इज दिस ओके? ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब लिमिट्स तो ही ये करना होगा. दिस अप्रूवल इज रिक्वायर्ड बाय ओआर. दिस अर्लियर यूज टू बी एसआर. नाउ दिस इज ऑल्सो ओआर ओनली. याद रखना 188 में सारे अप्रूवल्स ओआर से होते हैं. Both are taking over. ठीक है. Now if you understand, I can say this chat is over, but it cannot be over until and unless. सबसे पहले I know who's a related party. Secondly, I know ये सालसा यू क्या होता है. And third, I need to know ये prescribed limits क्या है. Once I know all these three, तब जाके ये वाला point खत्म होएगा. Section तो अभी शुरू हुआ है. Okay. So talking about one at a time. सबसे पहले what do you mean by related party? Related party is, do you remember company and star पढ़ा हमने? star वो स्टार कहाँ पड़ा? 149 में, विच इंक्लूडेड होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स. सो यहाँ पे ना रिलेटेड पार्टी स्टार. एंड देन यू रिमेंबर हमने जब लोन टू डायरेक्टर पढ़ा था तो हमने बताया डायरेक्टर नहीं, रिलेटिव नहीं, पार्टनर नहीं एंड फर्म नहीं. ठीक है. प्लस हमने ये भी बोला था कंपनी प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर मेंबर और पब्लिक कंपनी इन विच डायरेक्टर होल्ड्स 25% ऑफ द कैपिटल. ये मैं फटाफट बोल रही हूँ, आई होप तुम्हें याद है. ठीक है. डायरेक्टर होल्ड्स द कैपिटल या फिर डीम डायरेक्टर वाला फंडा. इन सब में हम 185 लिख देते हैं. सो वो सारे लोग जो है ना वो रिलेटेड पार्टी है. इज दिस ओके? आफ्टर दिस 185 स्टार हो गया, 185 हो गया. अब इसको छोड़ के ना एक रिश्ता बच गया है जो इस लिस्ट में आया नहीं बट वो रिलेटेड पार्टी है, विच इज को सब्सिडरी. व्हाट डू यू मीन बाई को सब्सिडरी गाइस? को सब्सिडरी सब्सिडरी का सब्सिडरी. दैट्स कॉल्ड सब सब्सिडरी. को सब्सिडरी अपने होल्डिंग का दूसरा सब्सिडरी. ठीक है. तो ये हुआ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. ठीक है. मतलब ये हुए रिलेटेड पार्टीज. सेकंड थिंग दैट आई नीड टू नो इज सालसा यू क्या है. सालसा यू इज ट्रांजैक्शंस. सबसे पहला S1 इज सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स. ठीक है. S2 इज सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी. L is leasing. Sorry, A is appointment of related party as agent in S1, S2 and S. Now what does this mean? Please ध्यान से समझना क्योंकि बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे. सी अगर मैं रिलेटेड पार्टी के साथ डायरेक्ट कोई ट्रांजेक्शन करूंगी, ठीक है, सो होगा क्या? उसको अट्रैक्ट होगा 188. 188 अट्रैक्ट होगा तो बोर्ड अप्रूवल होगा, शेयर होल्डर्स अप्रूवल होगा, गॉड नोज क्या क्या होगा. सो व्हाट आई डिड वाज आई यूज्ड माय ब्रेन्स. मैंने कहा एक सेकेंड, मुझे करना ही नहीं है मतलब मुझे ना ये S1 S2 एंड S मैं ट्रांजैक्शन कर रही हूँ उसमें ना मैंने रिलेटेड पार्टी को एजेंट बनाया हुआ है तो आई कैन हैव अ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट विद देम. बट आज लाइक अगर वो करेंगे तो फंस जाएंगे ना, बिकॉज कंपनी होगी, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलेटेड पार्टी होगा. ठीक है. तो मैंने कहा एक सेकंड रुक जा, कुछ और करती. व्हाट आई डिड वाज आई वांटेड टू कंसील दिस पर्टिकुलर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन सच अ वे कि 188 ना लगे. तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने एक अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन उठाया. ठीक है. लेट्स से आई एम डूइंग अ सेल कॉन्ट्रैक्ट विद सम अनरिलेटेड पार्टी और मैंने ना अपने रिलेटेड पार्टी को उस ट्रांजैक्शन में एजेंट बनाया, मर्केंटाइल एजेंट. सेल में मर्केंटाइल एजेंट होता है. एंड आई हैव इन दैट कॉन्ट्रैक्ट हैव रिटन दैट दिस पर्सन विल गेट 2% कमीशन. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट दैट आई हैव डन विद अनरिलेटेड पार्टी उसको 188 वैसे नॉर्मली नहीं लगेगा. वाई? बिकॉज सामने वाली पार्टी रिलेटेड पार्टी होनी चाहिए. अंडरस्टैंड? सामने वाली पार्टी जिसके साथ आई हैव डन द कॉन्ट्रैक्ट इज अनरिलेटेड. ओके. और इसमें जो रिलेटेड पार्टी एलिमेंट है they are not a party to the contract. अब अगर तुम बोलो हाँ रिलेटेड पार्टी के साथ भी तो कॉन्ट्रैक्ट है, करेक्ट, बट अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली है नहीं. सो what happens इज दिस ट्रांजेक्शन कैन सेव itself फ्रॉम द कंप्लायंस ऑफ 188. तो लॉ ने बोला एक सेकंड इधर, इफ यू आर अपॉइंटिंग रिलेटेड पार्टी एज एजेंट इन S1, S2 एंड S, देन दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन दैट अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्योंकि उसमें रिलेटेड पार्टी एक पार्टी है. समझा? ऐसा क्यों? बिकॉज अभी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा जब प्रिस्क्राइब लिमिट पढ़ोगे. सी व्हाट दे हैव डन इज
फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन है बिटवीन मी एंड सम बायर, ओके, सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें इस ट्रांजेक्शन की वैल्यू 100 करोड़ होने वाली है, वेर एज उसमें ही इज गेटिंग अ कमीशन ऑफ 1%, माई रिलेटेड पार्टी हु इज गेटिंग 1 करोड़, ठीक है. आई कुड हैव डन अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट विद माई रिलेटेड पार्टी फॉर 1 करोड़ एंड आई कुड हैव डन अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ 100 करोड़, तो अलग रहते. फिर 1 करोड़ वाले को 188 लगता और इसको नहीं लगता, ठीक है. फिर जब हम यहाँ पे शेयर होल्डर अप्रूवल लेने जाते तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को कंपेयर करते प्रिस्क्राइब लिमिट से, ओके, एंड वी हैड अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट विद ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 करोड़, सो प्रोबेबली दैट 1 करोड़ वुड नॉट हैव क्रॉस द लिमिट बिकॉज इट्स 1 करोड़. बट नाउ व्हाट हैपेंस इज यू हैव कंसील्ड दैट 1 करोड़ विद इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 100 करोड़, तो अब ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1 करोड़. कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो अब ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाती है 100 करोड़. सो देर आर हायर, मच 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 हायर चांसेस कि वो ट्रांजेक्शन वैल्यू प्रिस्क्राइब लिमिट एक्सीड कर जाएगी, बिकॉज अंडरस्टैंड बोर्ड अप्रूवल तो हमेशा चाहिए, तो ये तो होना ही है. ये शेयर होल्डर्स अप्रूवल अकेली चीज थी जिससे बच सकते थे अगर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट करते, बट नहीं किया तो कोई बात नहीं, बड़े वाले को कंपेयर करें. ओके, ना SAL लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनते हो, याद रखते जाओ, ठीक है. नेक्स्ट इज S सर्विसेज, प्रोवाइडिंग और अवेलिंग सर्विसेज. प्लीज अंडरस्टैंड, जब सेल परचेज होता है तो सर्विस के टर्म्स में यू कैंट कॉल इट सेल परचेज ऑफ सर्विस, प्रोवाइडिंग और अवेलिंग ऑफ सर्विसेज. नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी एट ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट. ऑफिस मतलब एम्प्लॉयमेंट दिलवाया, प्लेस ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रोफेशनली काम दिलवाया. लाइक इफ माई ब्रदर, आई गेट एम अपॉइंटेड एज अकाउंटेंट इन द कंपनी, इट इज ऑफिस, जॉब मिला. बट इफ माई ब्रदर इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई गेट हिम कंपनी का इंटरनल ऑडिट. स्टार्ट ऑडिट तो दे नहीं सकते ना, वो डिस्क्वालिफिकेशन से, ठीक है. बट हाँ, इंटरनल ऑडिट दिलवाया एज अ प्रैक्टिस, तो इफ यू अंडरस्टैंड अब कोई जॉब थोड़ी है, सो देन इट विल बी प्लेस ऑफ प्रॉफिट. एंड लास्टली यू, अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट. इज दिस ओके? ठीक है, तो ये सब किया ना अगर आपने, एस सालसा यू. सो अगेन कम बैक अवे, कंपनी एंटर्स इन टू अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद रिलेटेड पार्टी फॉर सालसा यू, तब जाके 188 अट्रैक्ट होता है एंड देन बोर्ड अप्रूवल शेयर होल्डर्स अप्रूवल आते हैं. इज दिस ओके? बाई फार इट्स क्लियर. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो 188 में अब तक वी नो वट इज दिस, ना अभी बची अपनी प्रिस्क्राइब लिमिट्स, ठीक है. एंड प्रिस्क्राइब लिमिट याद रखना, सालसा यू के लिए सबके लिए अपनी अपनी प्रिस्क्राइब लिमिट आएगी. कैसे? जस्ट लुक अवे, S1 की अपनी लिमिट होगी. S1 इज वॉट? सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड मटीरियल्स, ठीक है. एंड प्लीज़ याद रखना, कॉमन सेंस वाइज, इफ आई मेक अ रिलेटेड पार्टी एजेंट, ओके, सो इफ यू सी दिस अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट इन S1, सो होगा क्या? If I appoint him as agent in S1, तो S1 is considered as related party transaction. तो फिर उसकी अपनी लिमिट कोई नहीं होगी, A की. जो S1 की लिमिट होगी वही लगानी पड़ेगी, ठीक है. सो कैन आई से इट इज S1 एंड A, सिमिलरली S2 एंड A, एंड सिमिलरली S एंड A. ये S ना सर्विस है, ठीक है. नेक्स्ट, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द लिमिट्स, प्लीज़ याद रखना, लिमिट्स ना बहुत ईजी है याद रखना. मेरा ये सेंटेंस याद रखो, तुम्हें सब याद रहेगा. सी, इफ इट इज़ अ डे टू डे ट्रांजेक्शन, इफ इट इज़ अ day to day transaction, then it will be 10% of turnover, and if it is a balance sheet item, it will be 10% of net worth. Day to day transaction 10% of turnover, balance sheet item 10% of net worth, ये ठीक है. एंड 100 करोड़ तो हर जगह आएगा वरना उसको बुरा लग जाएगा. 100 करोड़ तो हर जगह आएगा वरना उसको बुरा लग जाएगा. Did you understand this? So S1 and A, just understand, S1 क्या है? सेल परचेज ऑफ गुड्स मटीरियल्स, डे टू डे या बैलेंस शीट? Day to day, so it will be 10% of turnover, or वो जो बुरा लग जाएगा 100 crores, whichever is lower. Make sense? S2 and A, again S2 क्या था? Sale purchase of property, 10% of net worth, property है ना, balance sheet item, or 100 crores, whichever is lower. SA हो गया. L, leasing. Leasing is of property. If you understand, leasing day-to-day चीज़ होती है, because once you start leasing a particular item, you lease it every time. ठीक है? But on the other hand, leasing is of property. Property is a balance sheet item. ठीक है? Now the question is, क्या करना क्या finally? So, turnover भी आ सकता है, network, तो दोनों को आने दो. So, it's 10% of turnover, क्योंकि leasing day-to-day item है. But property का हो रहा है, मतलब balance sheet item, so 10% of net worth. And वो, जो हर जगह आएगा, नहीं तो उसको बुरा लग जाएगा. सबको आने दो. विच एवर इज लोअर, नहीं होता लीस्ट होता है, लोएस्ट होता है. दो में लोअर होता है यार, ग्राम में, नॉर्मल ग्राम में, क्योंकि एग्जाम में तुम एरो तो बना के आओगे नहीं, तुम लिख के आओगे, तो ढंग से लिखना पड़ेगा ना. इज दिस ओके? नेक्स्ट,
एस ए एल एस, एस इज वॉट सर्विस, सो कैन आई से इट इज एस एंड ए, ये वाला ए, ठीक है। अब सर्विस अवेल कर रहे हो ना, अगेन सर्विस डे टू डे 10% ऑफ टर्न ओवर, बट प्लीज मेरा पॉइंट याद रखना, वो जिसको बुरा लग जाएगा कौन है, 100 crores, विच एवर इज लोअर। रुक जाओ रुक जाओ, सुनो मेरी बात ध्यान से। सी सर्विस इंडस्ट्री ना उस रेट पे ग्रो नहीं करती जिस रेट पे नॉर्मल बिजनेस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो करती है। लाइक किसी का एसी बनाने का बिजनेस है और किसी का उसकी सर्विस देने का बिजनेस है। इंसान जब एक एसी बना के बेचता है, हिज टर्न ओवर इज इंक्रीजिंग बाई 20,000 rupees मिनिमम, वेर एज वेन समबडी इज गिविंग उसी एसी का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, हिज टर्न ओवर इज इंक्रीजिंग बाई 2,000 rupees। सो दीज 20,000 पीपल विल रीच 100 crore समडे, वेन विल दिस 2,000 पीपल रीच? सो वाई टू कीप देम, गिव देम सच अ लिमिट दैट दे आर नॉट गोइंग टू रीच दैट इजिली? तो उन्होंने क्या किया बताया, ये लॉजिक याद रखोगे तो कन्फ्यूज नहीं हो गए। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है तेरे को हाफ, सो दिस इज नाउ 50 crores। अगर तुमने ये लॉजिक याद रखा ना, यू विल रिमेंबर इट, अदरवाइज ना तुम्हें हर पॉइंट में लगेगा 50 crore यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ कहाँ है, ठीक है, बाकी सब 100 ही है। सालसा एस ए एल एस डन, ए इज अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी एट ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट। अगर किसी को ऑफिस में अपॉइंट कराओगे तो उसकी सैलरी देखोगे ना, सो वी से रेम्यूनरेशन मोर देन 2.5 lakh पर मंथ नॉट पर एनम, ठीक है। तो फिर यू हैव टू, वाई आर वी डूइंग ऑल दिस, वी ट्राइंग टू लर्न द लिमिट्स। इस लिमिट से ज़्यादा हुआ ना अगर एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू, तो फिर यू हैव टू टेक शेयर होल्डर्स अप्रूवल, ओके। नेक्स्ट सालसा हो गया, यू अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, अंडर राइटिंग में क्या मिलता है, कमीशन। अंडर राइटिंग किसका होता है, शेयर्स डिबेंचर्स बैलेंस शीट आइटम, सो कमीशन एक्सीडिंग 1% ऑफ नेटवर्थ। अगर ऐसा है तो यू नीड अप्रूवल, अदरवाइज यू डोंट। एंड प्लीज याद रखना 1% ऑफ इशू साइज नहीं है, नेटवर्थ है। एग्जाम में अगर आपको बोले ना कि कमीशन हैज बीन गिवन एट द रेट ऑफ 5%, वो इशू साइज का होता है, नेटवर्थ का नहीं। इज दिस ओके? ये हुआ सालसा यू के प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स, ठीक है। इससे ना वो चार्ट खत्म होता है। इफ यू सी ये वाला जो चार्ट था ना, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड दिस चार्ट वेरी इजिली, रीजन बींग इफ आई हैड टू रियली नंबर देम अप, ओके 188 कंपनी एंटर्स इनटू अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद रिलेटेड पार्टी फॉर सालसा यू, देन दिस इज गेटिंग अट्रैक्टेड। अब इफ आई हैड टू रियली नंबर इट ना, सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस, दिस विल बी फर्स्ट कंडीशन, दिस विल बी सेकेंड, दिस विल बी थर्ड, दिस विल बी फोर्थ, ओके। एंड इफ ऑल फोर आर सैटिस्फाइड देन दिस विल बी फिफ्थ वन, की 188 अट्रैक्ट होगा। आई एम पर्पसली राइटिंग दिस ऑल्सो फिफ्थ, क्यों, क्योंकि ये तो ऑलवेज है। एंड देन दिस इज द सिक्स्थ वन। ये 6 स्टेप सही से लेके तो प्रोसीजर खत्म होगा, आगे रूल बाकी। इज दिस ओके? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 अप्रूवल्स है, बोर्ड अप्रूवल, शेयर होल्डर्स अप्रूवल यहाँ पे, बट याद रखना अपने रेफरेंस, एएससी रेफरेंस, यू हैव 177 ऑल्सो। ऑडिट कमेटी ने भी अप्रूव किया होगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ओमनिबस अप्रूवल पास किया हो, ठीक है। सो फॉर नाउ कमिंग बैक, ओके, सो मूविंग अहेड, सालसा यू हो गया, ठीक है, ये हमारा चार्ट हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द एग्जेम्पशंस? सो सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्जेम्पशंस ओवर हियर, ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्जेम्पशन, प्लीज ध्यान से सुनना। 1 type ऑफ एग्जेम्पशन इज वेर इन देर इज सेक्शन ही नॉट एप्लीकेबल है, मतलब नो बोर्ड नो शेयर होल्डर, सो बेसिकली नो अप्रूवल्स, ओके। वेर एज अदर वाला है जिसमें शेयर होल्डर्स अप्रूवल नहीं चाहिए, ऐसे भी एक्सेप्शन हैं जिसमें शेयर होल्डर्स अप्रूवल नहीं चाहिए, मतलब बोर्ड चाहिए, ठीक है, डिस्क्लोजर देना होगा आगे जाके, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट खाली शेयर होल्डर्स अप्रूवल नहीं चाहिए। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, नो अप्रूवल्स एट ऑल। इसमें इकलौता इज इफ इट इज एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब इफ यू सेइंग आर्म्स लेंथ प्राइस प्लस आर्म्स लेंथ प्राइस, तो अब अगर तुम बोल रहे हो ओसीबी भी आर्म्स लेंथ प्राइस था तो 2 बार क्यों लिखा? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आई टोल्ड यू ड्यूरिंग 185 ऑल्सो कि वो एक्टिविटी होती है, जो बिजनेस आप रोज कर रहे हो वही कर रहे हो, कुछ नया बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे, ठीक है। सो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड एट आर्म्स लेंथ प्राइस, तो इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द होल 188, ठीक है। वेर एज देर आर केसेज वेर इन यू डोंट रिक्वायर शेयर होल्डर्स अप्रूवल, ओके, उनमें सिर्फ शेयर होल्डर्स अप्रूवल नहीं चाहिए, बाकी सारा कंप्लायंसेस हो जाएगा, ओके। एंड वॉट आर दोज? लेट मी एक्सप्लेन यू दिस प्रॉपरली, ओके, जस्ट रिकलेक्ट। सबसे पहली चीज दैट वी गॉट टू नो वॉज अगर 4 conditions सेटिस्फाई होंगी, इफ 4 conditions, आई होप द कलर इज गुड, अगर 4 conditions सेटिस्फाई होंगी देन यू हैव टू टेक 2 approvals, बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स। बोर्ड अप्रूवल इज रिक्वायर्ड ऑलवेज, शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इफ प्रिस्क्राइब लिमिट्स आर एक्सीडेड, ओके। दिस इज रिक्वायर्ड बाय ओ आर, दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय ओ आर,
ना वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस, ठीक है? एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, प्लीज मेरी बात ध्यान से समझना. सबसे पहले एक्सेप्शन, पहला फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेर इन द होल सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल. दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज वेन इट इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस प्लस एट ALP, आर्म्स लेंथ प्राइस. ओके, ये हो गया एक एक्सेप्शन. अब और भी देयर आर एक्सेप्शन जिसमें सेक्शन इज एप्लीकेबल, अप्रूवल बोर्ड का चाहिए, एवरी थिंग इज रिक्वायर्ड, बट शेयर होल्डर्स अप्रूवल विल नॉट बी रिक्वायर्ड. ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड. सी, देयर आर टू रूल्स. फर्स्ट रूल इज यू नीड शेयर होल्डर्स अप्रूवल. शेयर होल्डर्स अप्रूवल रिक्वायर्ड, ऐसा रूल है, ठीक है? एंड इसमें एक और कंडीशन है दैट रिलेटेड पार्टी हु इज अ मेंबर, सो मेंबर हु इज अ रिलेटेड पार्टी विल नॉट वोट. ओके, सो दे हैव केप्ट इट दैट वे दैट यू रिक्वायर अप्रूवल बट रिलेटेड पार्टी हु इज अ मेंबर विल नॉट वोट बिकॉज ही विल बी अ मेंबर, ही विल बी सिटिंग एट GM, सो ही कैन वोट. सो वी हैव टोल्ड हिम नो भाई, यू विल नॉट वोट. मेक सेंस? सबसे पहले ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है. ओके, सो हमने बोला ओके शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, बट इन फोर केसेस इट इज नॉट रिक्वायर्ड. एक्सेप्शंस है, बाकी बोर्ड अप्रूवल वगैरह को नहीं छेड़ रहे हैं हम. फोर केसेस में ये नॉट रिक्वायर्ड. मैंने बोला ओके, फोर मतलब एग्जैक्टली क्या है? आई सेड दो हैं फॉर होल्डिंग एंड होल्ली ओन सब्सिडरी. होल्डिंग कंपनी एंड होल्ली ओन सब्सिडरी के दो एक्सेप्शन है जिसमें शेयर होल्डर्स अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड होगा, सेक्शन लगेगा. वेयर एज दो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज के लिए. आई सेड ओके, मतलब इन चार केसेस में बोर्ड अप्रूवल लगेगा. जो हमें डिस्क्लोजर देना है बोर्ड रिपोर्ट में वो भी देंगे, 189 में रजिस्टर में भी एंट्री होगी, बट शेयर होल्डर्स अप्रूवल नहीं लगेगा. दे सेड या, आई सेड ओके समझाओ. तो दे सेड होल्डिंग एंड होल्ली ओन सब्सिडरी में ना दो केसेस है, दो. आई सेड ना देर आर टू, इफ यू सी दिस देर आर टू, टू ईयर, टू ईयर. आई सेड ओके, गो एड एक्सप्लेन. सो दे सेड सबसे पहले ना अंडरस्टैंड होल्डिंग एंड होल्ली ओन सब्सिडरी के दो केसेस. सबसे पहले वेर द अंडरस्टैंड वेर इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन होल्डिंग एंड होल्ली ओन सब्सिडरी, ठीक है? वेर इन द होल्डिंग कंपनी ऑल्सो रिक्वायर शेयर होल्डर्स अप्रूवल एंड सब्सिडरी ऑल्सो रिक्वायर्स. इफ यू अंडरस्टैंड, अगर होल्डिंग में पास हो गया तो सब्सिडरी में रुकेगा, मतलब पास कौन करेगा, रुकेगा कौन, छोड़ो पास कौन करेगा, क्योंकि होल्ली ओन है ना. होल्ली ओन वही करती है जो होल्डिंग बोलती है, बिकॉज 100% कैपिटल वहाँ है. सो वी सेड वेर होल्डिंग हैज पास्ड, होल्डिंग एज पास शेयर होल्डर्स अप्रूवल, तो सब्सिडरी होल्ली ओन सब्सिडरी नी नॉट पास. वन केस आई सेड ओके. दूसरा बोले इफ दिस इज नॉट द केस वेर होल्डिंग इज रिक्वायर्ड टू पास एंड दे पास, ऐसा कुछ नहीं है, बट द अकाउंट्स आर कंसोलिडेटेड, दे बोथ गिव कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, तो फिर अलग से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं. आई सेड ओके, मतलब होल्डिंग एंड होल्ली ओन सब्सिडरी को इन दीज टू केसेस शेयर होल्डर्स अप्रूवल नहीं चाहिए. दे लाइक राइट. गवर्नमेंट कंपनी का, सो दिस गवर्नमेंट कंपनी का ऐसा है, इफ इट इज बिटवीन एनी टू गवर्नमेंट कंपनीज, एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन टू गवर्नमेंट कंपनीज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स अप्रूवल. आई सेड ओके. नेक्स्ट देन दे सेड एनी ट्रांजेक्शन बाय एन अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी विद एनीबडी एल्स, बिकॉज सामने वाली अगर गवर्नमेंट कंपनी हुई तो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा इस वाले केस में. ओके, बट अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी डूइंग इट विद सम अदर रिलेटेड पार्टी विच इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कंट्रोलिंग गवर्नमेंट. प्रायर अप्रूवल ऑफ कंट्रोलिंग गवर्नमेंट अगर किया तो भी अलाउड. आई सेड ओके. सो नाउ इफ यू अंडरस्टैंड गाइस, देर आर फोर, ठीक है? पहला वाला इज दिस, सेकेंड वाला इज दिस, थर्ड वन इज दिस, एंड फोर्थ वन इज, आई डोंट नो व्हिच कलर डू आई टेक नाउ, ठीक है? ओके, फोर्थ वन इज दिस. इज दिस ओके? देयर आर फोर एक्सेप्शंस. इन दीज फोर एक्सेप्शंस यू नीड नॉट टेक शेयर होल्डर्स अप्रूवल. ओके, अब रुक जाओ, लौट के आना, लिंक नहीं तोड़ना अपना. सो नाउ इट्स लाइक, अच्छा और क्या बचा? आई सेड ये बचा, रिलेटेड पार्टी नॉट टू वोट का रूल है. आई सेड या, आई सेड बट देयर सर्टेन केसेस जिसमें शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए बट रिलेटेड पार्टी विल बी अलाउड टू वोट. आई लाइक ओके, कौन से हैं ये? सबसे पहले इफ द कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी तो रिलेटेड पार्टी इज अलाउड टू वोट, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, इफ रिलेटेड पार्टी इज 90% और मोर ऑफ द टोटल मेंबर्स, 90% रिलेटेड है, तो अगर उनको भी बोल दो कि तुम मत वोट करो तो वोटेगा कौन, ठीक है? सो देन दे आर अलाउड टू वोट.
इन दिस केस दे आर अलाउड एंड इन दिस केस दे आर अलाउड. सो इन अ वे अगर तुम देखते हो ना, एक्सेप्शन इतने हो जाते हैं ना, एक ये है, दो ये हैं, चार ये हैं, सो दे बिकम सेवन. बट यू टू अंडरस्टैंड दे आर ऑल डिफरेंट. ओके, इस केस में कुछ भी नहीं चाहिए. इन चार केसेस में शेयर होल्डर्स अप्रूवल नहीं चाहिए. एंड ऑब्वियसली इफ यू यूज योर ब्रेन, अगर शेयर होल्डर्स अप्रूवल नहीं चाहिए, सो दिस रूल ऑटोमेटिकली डज नॉट अप्लाई ना. शेयर होल्डर्स अप्रूवल में रिलेटेड पार्टी वोट नहीं करेगा, अगर रूल था ना, जब अप्रूवल ही नहीं चाहिए तो ओवर. एंड इन दीज टू शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए, बट रिलेटेड पार्टी को वोट करना अलाउ करेंगे. हाउ इज इट गुड नाउ? यू नो ये पीपीटी में एज पीपीटी क्यों नहीं बनाया, बिकॉज ये थोड़ा ज्यादा समझाना पड़ेगा. ओके, नाउ यू आर डन विद दीज एक्सेप्शंस ऑफ 188, ऑल द टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द कॉन्ट्रवेंशन रूल्स. ठीक है, अब सुनना मेरी बात. इफ आई एम सेइंग कॉन्ट्रवेंशन हो गया, ओके, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ 188 हो गया, मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रवेंशन हुआ, आई नो, मतलब क्या हुआ? कोई तो रूल होगा जो नहीं माना. रूल तो दो ही थे, देर वॉज बोर्ड अप्रूवल एंड देन देर वॉज शेयर होल्डर्स अप्रूवल. इफ लाइक मैम ऑडिट कमेटी अप्रूवल भी तो था, वो 177 में था, यानी ओके. सो यहाँ पे दो अप्रूवल थे. सो अगर कॉन्ट्रवेंशन हुआ है तो या तो ये नहीं लिया होगा या ये नहीं लिया होगा. ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग. इफ ए सेइंग कॉन्ट्रवेंशन हुआ, मतलब बोर्ड अप्रूवल नहीं लिया, शेयर होल्डर्स अप्रूवल नहीं लिया, सो दिस इज नो वरीज. यू हैव 3 months टाइम टू गेट इट रैटिफाइड. 3 months में ना गेट इट रैटिफाइड इन बोथ द केसेस. बट मैं बोल रही हूँ 3 months खत्म हो गए. आफ्टर 3 months ऑल्सो इफ यू नॉट रैटिफाइड इट, सो दिस वॉज ऑलवेज वॉइडेबल गाइस. I don't know why does this happen, but okay. This was always voidable at the option of board. And this was void. Now if you understand, this got amended and even this became voidable at the option of company. So in short, ab 3 months mein ya to ratify karao nahi to wo voidable hai. Baad mein they can make it valid or void. Is this okay? Theek hai. This is about the contract. But contravention hua hai to penalty bhi to lagegi. Okay, so penalty they've said depends. You know normally penalties company and OID. I just want you to look into your books. Look into your books. मुझे ये बताओ company की penalty कितनी है और OID की कितनी है. नहीं everybody, I know हमारे बीच में screen है, but still go look into it. अपने लिए तो आंसर निकालो, company की कितनी और OID की कितनी. यूड बी लाइक हाँ कंपनी ना मैम डिपेंड करता है लिस्टेड है या अनलिस्टेड है. गाइस सुनो ना, कंपनी की पेनाल्टी निल है, निल. इफ यू लाइक अरे मैंने तो देखा था, जाके ढूंढो दोबारा है क्या कुछ. कंपनी की पेनाल्टी निल है, निल. ओ माय गॉड, वो जो लिस्टेड अनलिस्टेड है ना, वो ओआईडी के लिए है. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ओआईडी यू हैव, you'll have this listed and unlisted type of company you have. So agar company listed hai ya unlisted hai, listed hai to there is imprisonment or fine or both, whereas yahan pe sirf fine hai, samjha. And now coming to the most important ASC reference plus 164 ho jaye, wo yaad hai kya UC IC doctor ka R 5 saal ke liye will get disqualified and isi wajah se 167 ho jayega, aapko vacation karna padega. Is this okay? Hello? ये था 188. Hello? 188. और यहाँ का ना ये पॉइंट याद रखना, ये सिर्फ अनलिस्टेड के लिए है. लिस्टेड कंपनी गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं ले सकती, लिस्टेड को फॉलो करना पड़ेगा. लिस्टेड को एग्जेम्पशन तभी पॉसिबल है जब सामने वाली पार्टी भी गवर्नमेंट कंपनी हो. ये वाला बिटवीन टू गवर्नमेंट कंपनीज. बट अनलिस्टेड को अप्रूवल लेना पड़ता है, लिस्टेड नहीं कर सकती. लिस्टेड डज नॉट हैव दैट एग्जेम्पशन, दैट लिबर्टी. ओके, मूविंग अहेड. 188 के बाद देर इज नेक्स्ट सेक्शन विच इज गोइंग टू बी 189. ओके, 189 बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस ध्यान से सुन लेना. सी 189 का इकलौता फंडा इज इफ यू हैपन टू एंटर इन टू अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. या तो 188 का ट्रांजेक्शन है या 184 का ट्रांजेक्शन है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट. इसका ना यू सपोज टू मेंटेन अ रजिस्टर. इस रजिस्टर में यू सपोज टू एंटर बोथ दीज ट्रांजेक्शन. ठीक है, एंड दिस रजिस्टर विल बी केप्ट ओपन, इट इज ओपन टू इंस्पेक्शन. लेकिन दिस रजिस्टर इज नॉट अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके पैसे लगते हैं.
ठीक है, दिल डिसाइड द मनी विच कैन बी मैक्सिमम 10 rupees पर पेज. ओके, इसके पैसे लगते हैं. दिस इज नॉट फ्री ऑफ, दिस इज द ओनली रजिस्टर अमंग्स डायरेक्टर्स दैट यू स्टडी जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, बाकी सब फ्री ऑफ कॉस्ट था. इज दिस ओके? ना वंस यू डन विद दिस, ये रजिस्टर विल बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन वगैरह सब कुछ. अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ दिस सेक्शन इज एक्सेप्शन. देर आर टू एक्सेप्शन टू दिस सेक्शन, मतलब इन दो केसेज में 188-184 के ट्रांजेक्शन 189 के रजिस्टर में एंटर नहीं होंगे. ओके, सो ना इफ यू टॉक अबाउट एक्सेप्शन, सबसे पहला वेन यू डन एनी सेल परचेज ऑफ गुड्स मटीरियल्स और सर्विसेज विथ अ रिलेटेड पार्टी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ विच इन द होल ईयर डज नॉट एक्सीड ₹5 lakh. ओके, गुड्स मटीरियल सर्विसेज किया है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ विच इन द होल ईयर डज नॉट एक्सीड 5 lakh. इज दिस ओके? ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वाला. दे सेड व्हेन अ बैंकिंग कंपनी इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कलेक्शन ऑफ बिल फॉर इट्स सब्सिडरी. बैंकिंग कंपनी इज डूइंग इट कलेक्टिंग बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ सब्सिडरी, तो सब्सिडरी को सर्विस मिल रही है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होगा. बट इफ यू अंडरस्टैंड, वो जो बिल डिस्काउंटिंग करके देते हैं उसके बिहाफ पे फिर कलेक्ट करते हैं. डिस्काउंटिंग रेट का कोई ALP नहीं होता गाइस. इवन इफ आई एम डूइंग इट एट ALP प्रूव नहीं हो सकता, बिकॉज सबका अलग अलग रेट होता है उसमें. डिपेंडिंग ऑन द पर्सन इज एक्सेप्टेड द बिल द रिस्क आई विल चार्ज यू अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो इफ यू अंडरस्टैंड, इसमें कोई आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं होता. सो इवन इफ आई डू इट एट ALP इट विल नेवर बी एक्सेप्टेड. 188 तो लगेगा, बट 189 बोलते हैं जा एंट्री मत कर इसकी, बिकॉज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द शेयर होल्डर. ठीक है, सो फॉर इफ यू डूइंग एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर सब्सिडरी देन नो रिकॉर्ड विल बी मेंटेन ऑफ दिस इन 189. इज दिस ओके? ठीक है, एक बार वापस अपनी बुक में 189 ठीक से पढ़ लो. आई आस्क यू अ क्वेश्चन आफ्टर दिस. जब तुम पढ़ लोगे तब क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट, सो बी रेडी फॉर द क्वेश्चन. ओके, सो रेडी स्टार्ट करें वो क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज योर बोनस क्वेश्चन. आई कॉल इट बोनस बिकॉज आई डोंट डिस्कस इट एवरीवेयर. Okay, so just read this question carefully. So if you understand this thing which is already on your screen is the case, this is not the question. Question is yet to come up. So now the question is, advise the company with respect to compliances to be followed. This is the first question. Second is, would your answer be different if the purchase was of property? Third, what would your answer be if 70% of the paid up share capital of ASC was held by CG and ASC had approval from CG to enter into this transaction? I hope you understand. Isko bahut acha khasa time lagega. Theek hai? Take your time. Kam se kam, चलो आई विल गिव यू 10 minutes. ठीक है, 10 मिनट में आपको करना क्या है, आपको ना इस वाले का ABC 3 questions है, मुझे 3 answers चाहिए इसके. ओके, आई नीड 3 different answers फॉर इट. इसलिए आराम से सोचो और इसका आंसर निकालो.
रिमेंबर अगर सी वाले का आंसर हो जाए तब वी आर सपोज टू स्टार्ट, एंड कोशिश करना अगर आप वन और टू में ही अटके हुए हो अब तक, सो थोड़ा टाइम निकालो और सी को भी सॉल्व कर लो, बिकॉज व्हेन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग तो आपका सी तो एकदम अनटच्ड ही रह जाएगा. एंड आई थिंक 10 मिनट्स आर मोर देन इनफ फॉर सच अ क्वेश्चन. आपको करना ये है, आपको खाली बुलेट्स लिखने हैं इसके. बुलेट्स नहीं लिखे तो प्रॉब्लम होगी, बिकॉज बाय द टाइम आई विल रीच सी तुम्हारा ए भी नहीं हुआ होगा या फिर याद नहीं रहा होगा. सो राइट डाउन बुलेट पॉइंट्स फॉर ऑल द आंसर्स. Three minutes to go. Okay, 2 more minutes. Done. I am hoping you are done with it now. Okay, so considering that you are done and हम आगे बढ़ रहे हैं, हो गया होगा यार, अब तुम pause कर लो, इस हो गया तो. Okay, so next. Now talking about the answer, if सबसे पहले ना best part about this particular question is इसमें ना कोई भी sentence time pass के लिए नहीं लिखा गया. Every sentence will have effect on that answer. So, AS Limited, they purchased goods of 4 lakh from their subsidiary in ordinary course of business. ALB के बारे में कुछ नहीं पता हमें. When the question is silent, you don't assume. You write double-sided answer. ठीक है? So, no transaction intended throughout there between both. Paid up share capital of ASC XYZ is 9 and 11. Turnover is 45-30. Advise the company with respect to compliances to be followed. Let's solve the first one first. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट कंप्लायंसेस टू बी फॉलोड, सबसे पहले मैं एक बात बताऊँ, 188 अट्रैक्ट हुआ गया. 188 अट्रैक्ट तो हुआ, क्यों? क्योंकि कंपनी है, दे आर एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद रिलेटेड पार्टी फॉर सालसा यू का S1, राइट? सो इफ यू अंडरस्टैंड, 188 तो अट्रैक्ट हुआ. जैसे 188 अट्रैक्ट हुआ, वील बी लाइक बोर्ड अप्रूवल रिक्वायर्ड, शेयर होल्डर्स अप्रूवल तभी चाहिए अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सीड्स प्रिस्क्राइब लिमिट. ओके, इफ यू लाइक मैम ALP आएंगे उस पर भी, अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं ALP नहीं है. अगर ALP होता तो फिर चीज़ें थोड़ी अलग होती. इज दिस ओके? सो शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए या नहीं डिपेंड्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू. ट्रांजैक्शन वैल्यू यहाँ पे है 4 लाख एंड प्रिस्क्राइब लिमिट इज
10% ऑफ टर्नओवर और 100 crores, विच एवर इज लोअर. यहाँ टर्नओवर क्या है? 45 लाख. फॉरगेट दैट. मेरे को एक बात बताओ, कितने लोगों ने दोनों कंपनीज को एडवाइस दी? ए बी ए लिमिटेड एबीसी को भी, एएससी को भी दी और एक्स वाई जेड को भी दी. अगर आपने वो किया ना गाइस, तो ये देखो यहाँ कंपनी लिखा है कि कंपनीज लिखा है. यू नॉट रॉन्ग. अगर कंपनी लिखा है और कंपनीज को एडवाइस दोगे तो 16 मार्क का आंसर लिखोगे 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए. एंड 8 में से 8 ही मिल सकते, 16 नहीं मिलते. क्लियरली लिखा एडवाइस द कंपनी, तो उसी कंपनी को देना जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा आंसर है. अब बताओ कौन सी कंपनी? एएससी. अब बताओ टर्नओवर कितना है? टर्नओवर इज 30 लाख. अगर किसी ने 45 लिया तो वो ना मस्ती हुई थी. पहले पेड अप शेयर कैपिटल पहले उसका लिखा था और टर्नओवर उसका बाद में लिखा था. सो दिस इज 30 लाख. 30 लाख का 10%, 3 लाख ऑन 100 crores, विच आर इज लोअर 3 लाख. ट्रांजेक्शन वैल्यू इज 4 लाख. प्रिस्क्राइब लिमिट इज 3 लाख. इज इट एक्सीडेड? येस. तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल रिक्वायर्ड. ठीक है ना, वी डोंट नो ए एल पी है या नहीं, तो हम ये होने के बाद एंड में लिखेंगे. अगर ए एल पी हुआ तो फिर एग्जेम्प्ट है, नो अप्रूवल्स रिक्वायर्ड. इज दिस ओके? सो कमिंग बैक, 188 इज अट्रैक्टेड. बोर्ड रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड. शेयर होल्डर्स ओनली इफ इट एक्सीड्स द लिमिट. प्रेजेंट केस 30 लाख का 3 लाख एंड 4 लाख एक्सीडेड, देयरफॉर ओआर रिक्वायर्ड. ऑर्डिनरी कोर्स एट आर्म्स लेंथ इज एन एक्सेप्शन. तो अगर अलॉन्ग विद इन ऑर्डिनरी कोर्स इट वॉज आर्म्स लेंथ, तो एग्जेम्प्ट होगा. आई हैव अ क्वेश्चन. और कुछ लिखना है क्या कंप्लायंस में? अगर तुम क्वेश्चन देखो ना, सो क्वेश्चन ने बोला था एडवाइस द कंपनी कंप्लायंसेस. ठीक है, तो और कोई कंप्लायंस आने वाला है क्या? आएगा ना. 189. इफ लाइक मैम 189, क्योंकि 188 के सारे कंप्लायंसेस बोला तो सारे लिखने पड़ेंगे. ठीक है, एंड सेकेंडली 188 के ट्रांजेक्शन 189 में एंटर होते हैं. बट आई नो इट इज एग्जेम्प्ट, बट इफ यू डोंट राइट ओनली तो इट फील्स लाइक वो तुमको क्लिक ही नहीं हुआ. सो विल राइट कि हाँ अट्रैक्ट होगा, बट ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा. एग्जेम्प्ट क्यों हो जाएगा? 5 लाख से कम है ना ड्यूरिंग द होल ईयर. ओके, सो इफ यू से 189 रिक्वायर्स एंट्री, बट एज एन एक्सेप्शन इफ ट्रांजेक्शन वैल्यू एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड 5 लाख, तो 189 से इट विल बी एग्जेम्प्ट. ओके, ये हुआ एक आंसर. अब बी का क्वेश्चन पढ़ो. इट सेज व्हाट वुड यू आंसर बी इफ द परचेज वॉज ऑफ प्रॉपर्टी. कुछ बदलेगा क्या? सॉरी, द क्वेश्चन वुड यू आंसर बी डिफरेंट. एंड वेन दे से वुड यू आंसर बी डिफरेंट, इट मीन्स यू आर सपोज टू राइट ओनली वॉट विल बी डिफरेंट. ओके, सबसे पहले इफ इन सन 188 अट्रैक्ट, तो वहाँ भी होगा तो ये नहीं लिखेंगे. बोर्ड अप्रूवल तो वहाँ भी लगेगा, नहीं लिखेंगे. शेयर होल्डर्स अप्रूवल लगेगा क्या? अब 10% ऑफ नेटवर्थ आएगा ना. नेटवर्थ अपने पास नहीं है, बट 9 crores का पेड अप शेयर कैपिटल तो है. उसका 10% कम्स टू 90 लाख. एंड ट्रांजेक्शन वैल्यू इज 4 लाख, बहुत कम है, तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल नहीं चाहिए. सो इफ यू अंडरस्टैंड, ये वाला एक पॉइंट है जो कि आएगा नेक्स्ट आंसर में. ओके, ये भी नहीं आएगा क्योंकि दिस इज ऑल्सो सेम होता उस केस में भी. मेरे को तो ना ये वाला आएगा क्या? नेक्स्ट वाला 189 में एंट्री अब आएगी? आएगी. आई टेल यू व्हाई. दिस इज ओनली फॉर गुड्स मटेरियल सर्विसेज, वो एक्सेप्शन, और ये प्रॉपर्टी बेच रहे. सो ये वाला भी आएगा. इज दिस ओके? सो बी में हैड द परचेज बीन ऑफ प्रॉपर्टी, देन शेयर होल्डर्स ओ आर विल बी रिक्वायर्ड इफ 10% ऑफ नेटवर्थ लिया जाएगा. Where your normal paid up share capital itself is 9 crore, 4 lakh is far below the limit, therefore OR is not required. लेकिन 189 में एंट्री आएगी. Make sense? यहाँ तक तो मज़ा आ रहा है. ओके, अब चलते सबसे भयानक वाले पे. ओके, सो बचा सी. मेरे को एक बात बताना, सी में आई ओनली हैव वन क्वेश्चन. शेयर होल्डर्स अप्रूवल रिक्वायर्ड या एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट होगा कि नहीं? क्योंकि दे सेड इफ 70% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एएससी वाज हेल्ड बाय सीजी एंड एएससी हैड प्रायर अप्रूवल फ्रॉम सीजी टू डू इट. तो इफ यू अंडरस्टैंड, प्रायर अप्रूवल लेके इनका काम चलेगा क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है. क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में लिखा है कि वो लिस्टेड कंपनी है. ठीक है, नाउ इफ यू अंडरस्टैंड, लिस्टेड कंपनी अप्रूवल से एग्जाम नहीं होती, तो अपना आंसर विल बी ओनली अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनीज आर एग्जाम विद अप्रूवल एंड दिस इज लिस्टेड, सो इट विल नॉट बी एग्जाम दैट वे. बट रुको 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 रुको, वो एग्जेम्प्ट है. इसलिए क्या बोल रहे हो? वो एग्जेम्प्ट है गाइस. सुनो, इफ 70% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एएससी वाज हेल्ड बाय सीजी, तो एससी क्या बनती? लिस्ट गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी
का डेफिनेशन अगर तुम रिकलेक्ट करो, 51% हेल्ड बाय सीजीएस जी बोथ एंड अ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी. तो अगर एएससी गवर्नमेंट बन जाती तो उसकी सब्सिडरी एक्सवाइजेड भी गवर्नमेंट होती एंड एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन टू गवर्नमेंट कंपनीज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स अप्रूवल. सो इफ यू अंडरस्टैंड सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो गवर्नमेंट एंड ट्रांजेक्शन बिटवीन टू इज एग्जेम्प्ट, सो दैट वे दे विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स अप्रूवल. सो मतलब इट इज लाइक हम तुम्हें खींच रहे थे कहीं और. क्वेश्चन था कुछ, इज दिस ओके? ये था आपका बोनस क्वेश्चन. आई होप आपको समझा या सदमा, आई डोंट नो, बट लेट्स गो अहेड. टॉकिंग अबाउट 190 ना, 190 इज कॉन्ट्रैक्ट विद एमडी और डब्ल्यूटीडी. एक फंडा सिंपल है, देखो जो आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना विद एमडी डब्ल्यूटीडी, इन दोनों के साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा. वी जस्ट वॉन्ट कि ये जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, दिस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी डन, दिस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली शुड बी डन इन राइटिंग, ओके? एंड सेकेंडली इट विल बी केप्ट ओपन टू इंस्पेक्शन. दिस कॉन्ट्रैक्ट की ना कॉपी रहेगी एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, ओपन टू इंस्पेक्शन या सर्टिफाइड कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट. यहाँ तक ठीक है? ये समझा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ओपन टू इंस्पेक्शन रहेगा, सर्टिफाइड कॉपी, सब कुछ ठीक है. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. यहाँ पे ना इन्होंने एक और पॉइंट दिया है कि जो राइटिंग में कर रहे हो ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वो राइटिंग में नहीं करते बिकॉज उनको प्रॉब्लम है इस एम्प्लॉयमेंट वर्ड से. बिकॉज जस्ट इमेजिन, अगर मेरे पापा की कंपनी है, पापा चेयरपर्सन है, उन्होंने कंपनी बनाई, तो एम डी डब्ल्यू डी डी बनाने के लिए बाहर से कोई थोड़ी आएगा, हम क्यों हैं? सो मी एंड माई ब्रदर, या तो भैया एम डी मैं डब्ल्यू टी डी, या मैं एम डी भैया डब्ल्यू टी डी. अरे इतना पापा ने कंपनी इसलिए बनाई ताकि बाहर वालों को नौकरी मिले और हम बाहर जाके नौकरी करें. सो इफ यू अंडरस्टैंड, हम ही बनेंगे ना एम डी ना. इफ़ यू अंडरस्टैंड, अगर पापा की कंपनी में मैं एम डी हूँ, मेरे पापा की कंपनी, आई एम स्टिल बींग वेरी नाइस, ठीक है? तुम लिटरल लैंग्वेज में आओगे तो कुछ और बनेगा, बट मेरे पापा की कंपनी है यार, इसमें मैं एमडी बनी, ओके? अब ये सेक्शन 190 बोलता है कि एमडी के साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट करो राइटिंग में. मेरे पास कंपनी का सेक्रेटरी आया, बोला कि आपके साथ ना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना है राइटिंग में. मैंने उसको बोला एक सेकंड, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. मैंने कहा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? बोला एम्प्लॉयमेंट. तो मैंने उसको बोला एक सेकंड, मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं मेरे पापा की कंपनी में मैं एम्प्लॉय हूँ. ही इज एक्सप्लेनिंग मी, अरे एम डी एम्प्लॉय ही होता है. लाइक सॉरी, पापा की कंपनी है और तुम भी आज से एम्प्लॉय नहीं हो, जाओ. इनको ना ये, इनको प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, इनको प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट वर्ड से. तो लॉ ने बोला हमको पता है इंडिया में से बहुत होंगे, तो उन्होंने कहा या तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट करो या रिटन मेमोरेंडम कर लो. ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट करने में नाटक करेंगे ना, तो इनके साथ रिटन मेमोरेंडम कर लो और उसके साथ ये सब करो फिर. मेक सेंस? सो एवरी कंपनी शैल कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ ऑफ सर्विस विद एमडी डब्ल्यू टी डी, या फिर वेर इज सच कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन राइटिंग देन रिटन मेमोरेंडम, ओके? दिस कॉपीज विल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड अगर कोई डिफॉल्ट किया तो दैट्स पेनाल्टी. इतना सा सेक्शन है, 190 बहुत छोटा है, 193 भी बहुत छोटा है. इज इट ओके? या सेक्शन 190. अब आगे बढ़ते हैं 191 पे. द प्रोविजन्स, हाँ, दिस डज नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी, याद रखना. प्राइवेट कंपनी का एमडी का कॉन्ट्रैक्ट ओपन टू इंस्पेक्शन है, फिर क्या प्राइवेसी बची? ओके, सो 190 इज डन. नाउ कमिंग टू 191, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस. बट ये नॉर्मल वाला नहीं है, दिस इज ओनली इन केस ऑफ अमालगमेशन. अगर कंपनी अमालगमेट हो रही है तब ये वाला लगेगा, क्योंकि नॉर्मली CFLO कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस के लिए 202 लगता है. 202 इज कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नॉर्मली, 191 इज कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस इन केस ऑफ अमालगमेशन, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. वंस यू अंडरस्टैंड दिस, फिर तो 193 में कुछ बचा नहीं, 4 और 5 है नहीं. मतलब 192 एक बड़ा है, फिर 193 में कुछ है नहीं, 4 और 5 है नहीं, ओके? सो लिसन टू मी केयरफुली ना. सी, कंपनी गोज इन टू अमालगमेशन लाइक इन लॉ, इन अकाउंट्स इट मैटर्स कि तुम उसको अमालगमेशन बोल रहे हो, अब्जॉर्प्शन बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो वगैरह, इट रियली मैटर्स. बट इन लॉ इट डज नॉट मैटर. वॉट मैटर्स इज कैसे हुआ, ओके? लॉ में ना अमालगमेशन होने के दरअ टू वेज. वन इज बाय सेल ऑफ अंडरटेकिंग, विच इज़ बड़े प्यार से एक कंपनी के मैनेजमेंट ने दूसरे कंपनी के मैनेजमेंट को कन्विंस किया, उसने अपने शेयर होल्डर्स को कन्विंस किया और पूरा अंडरटेकिंग हैज बीन सोल्ड, ओके? अदर वे ऑफ डूइंग इट इज सेल ऑफ शेयर्स. जब मैनेजमेंट कन्विंस नहीं हो रहा है या नहीं करना है, द अक्वायरर एंड टारगेट जो होते हैं, अक्वायर कंपनी डायरेक्टली गोज इन टू द मार्केट और टारगेट के शेयर होल्डर्स को शेयर्स खरीद लेती है. You give them an offer and buy their shares. And as soon as 90% shares are sold to them, then they come and talk to the management ki bolo ab kya bologe.
Makes sense. So these are the two ways. Whatever way a company is getting amalgamated by, your all that we are talking about under this section, we are just talking about कि वो amalgamation में compensation for loss of office कैसे मिलेगा, क्योंकि जब amalgamation हुआ उसके बाद नई वाली कंपनी ने इसको निकाल दिया पुराने डायरेक्टर को, तो उसको CFLO मिलेगा, या फिर इन द स्कीम ऑफ amalgamation उसको CFLO मिल रहा है. सो नाउ द क्वेश्चन, CFLO कैसे मिलेगा? लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सी, दे हैव जस्ट सेड कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि फॉर एग्जाम्पल द अदर कंपनी, द अक्वायर कंपनी केम अप टू मी एंड सेड कि टारगेट कंपनी हम खरीदना चाहते हैं. ऐसे नहीं, नहीं तुम्हारे साथ amalgamation बेकार है, तुमसे कौन amalgamate करेगा. दे टोल्ड मी, अरे इतना क्या कंपनी के प्रति आपका इतना प्यार है फॉर द कंपनी, व्हाट आर यू गेटिंग? सो आई सेड आई गेट माय रेम्युनरेशन. सो दे सेड, व्हाट इफ यू लीव द कंपनी, व्हाट विल यू गेट? आई सेड आई गेट माय CFLO, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस. दे सेड ओके, हाउ मच विल यू गेट? सो इट्स सेक्शन 202 विच डिसाइड्स हाउ मच विल आई गेट. सो आई कैलकुलेटेड एंड आई टोल्ड देम आई एम गोइंग टू गेट 50 lakh rupees वेन एवर आई लीव, एंटिल देन आई एम गेटिंग माई रेम्युनरेशन, सो आई वॉन्ट प्ले विद द कंपनी. सो दे टोल्ड मी, अच्छा डू वन थिंग, in this 50 lakh we'll add one more zero and make it 5 crores. Okay, you convince your shareholders for this amalgamation. Later on, like in the scheme of amalgamation, we'll remove you and we'll give you a compensation for loss of office of 5 crore rupees. And so it's all legal. Cash to tum risk nahi le sakte na India mein aaj ki date mein, kaun si note kab band ho jaye kya pata, theek hai. So they've said legally we'll give you 5 crore ka compensation in this amalgamation scheme. Ab jaake convince kar lo apne shareholders ko. Now just tell me something, what is more important, company या वो 10 extra? इन दिस केस इट विल बी दैट 10 extra. सो व्हाट आई डिड वाज आई वेंट टू द शेयरहोल्डर्स, तुम सब शेयरहोल्डर्स थे, आई केम अप टू यू सेइंग बहुत अच्छा अमालगमेशन है, सामने वाली पार्टी बहुत अच्छी है, तुम बहुत सुखी रहोगे साथ में आफ्टर अमालगमेशन, ठीक है. इनसे अच्छा अमालगमेशन के लिए पार्टी नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे हैं ये वो. आई डिड ऑल दैट एंड यू सो यू ट्रस्ट द डायरेक्टर, राइट? मैं अगर आपको बोल रही हूँ, आपने मान लिया, आपने कहा ओके चलो कर लो अमालगमेशन, इन दैट अमालगमेशन आई वॉज रिमूव्ड, आई गॉट 5 crores एंड आई लेफ्ट. मेरा स्टोरी खत्म हुआ. विद इन वन ईयर द कंपनी वेंट इन टू लिक्विडेशन, क्योंकि अमालगमेशन वॉज नॉट राइट, ठीक है. अब सबसे पहला इंसान जिसको यू विल बी सर्चिंग फॉर विल बी हु? किसे ढूंढोगे? मेरे को. यू मेट मी वन डे एंड यू टोल्ड मी, आपने ऐसा क्यों किया? आई सेड क्योंकि मेरे को 5 crore मिल रहे थे. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल से इज, ये बात तभी बता देते तो हम अमालगमेट तो नहीं करते. इफ यू अंडरस्टैंड, दिस इज सिमिलर टू 184, बट 184 की जो इंटरेस्ट की डेफिनेशन है उसमें ये सिनेरियो नहीं आता. सो व्हाट दे सेड वाज, अगर कंपनसेशन मिल रहा है इन केस ऑफ अमालगमेशन, सो यू कैन नॉट टेक दिस कंपनसेशन अनलेस यू सैटिस्फाई टू कंडीशंस. पहला, यू हैव टू डिस्क्लोज इट टू द शेयर होल्डर्स एंड यू हैव टू गेट इट अप्रूव्ड बाय देम. ये दोनों चीज़ें जानी चाहिए शेयर होल्डर्स की, तभी यू कैन टेक इट, ठीक है, फर्स्ट चीज. दूसरा, बट ऑब्वियसली ये जो 50 lakh था ये 202 की लिमिट थी, इतना तो मेरा राइट है. सो इफ आई एम टेकिंग अप टू 202 का लिमिट, देन इट इज एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेक्शन 191. मतलब फिर 191 का कोई डिस्क्लोजर नहीं, कोई अप्रूवल नहीं, कोई कंडीशन नहीं, ओके. एंड थर्ड रूल इज, अगर यू हैव अ डिफॉल्ट इन एनी लायबिलिटी, डिफॉल्ट है मतलब देयर शुड बी लायबिलिटीज बट देयर इज नो डिफॉल्ट इन एनी लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ पेमेंट. इफ देयर इज डिफॉल्ट एनी, यहां तो लिस्ट दी है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स से लेके योर एम्प्लॉयज, वर्कमैन, गवर्नमेंट, ड्यूटी, सेस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर तक. तो अगर तुम देखो उसके बच्चा कौन, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है. सो इफ देयर इज डिफॉल्ट इन एनी लाइबिलिटी देन नो CFLO टिल द डिफॉल्ट इज क्लियर्ड अंडर सेक्शन 191. मेक सेंस? ठीक है. सो अब ना ये ध्यान से समझ लेना, ये तीन ही पॉइंट्स है इसमें और कुछ नहीं, ओके. सो सबसे पहले, नो कंपनसेशन इफ देर इज, या तो बाय सेल ऑफ अंडरटेकिंग या फिर बाय सेल ऑफ शेयर्स देर इज अमालगमेशन, अनलेस इट हैज बीन डिस्क्लोज्ड टू द मेंबर्स एंड दे हैव अप्रूव्ड इट इन जीएम, ठीक है. लेकिन अगर 202 के लिमिट के अंदर है तो कोई अप्रूवल नहीं लगे, ठीक है. नेक्स्ट, कंपनसेशन नॉट बी पेड इफ देर इज डिफॉल्ट इन एनी लाइबिलिटी. इफ यू सी पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स, एनी लाइबिलिटी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पेबल टू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टैक्स ड्यूटीज टू CG, वर्कमैन एम्प्लॉयज, नॉट पेड प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स ऑन ड्यू डेट, इसके बाद बचता सब इक्विटी है. इन शॉर्ट, एनी लाइबिलिटी में डिफॉल्ट है तो पेमेंट नहीं होगा. मेक सेंस? ओके. सो दिस इज सेक्शन 191. याद रखना 202 में ये भी नहीं लगता है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ द लिमिट इज 50 lakh 202 वाली, यू गिविंग हिम 40 lakh, तो ना तो डिस्क्लोजर होगा क्योंकि एग्जेम्प्ट है, ना ही अप्रूवल होगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट
डिफॉल्ट हुआ भी ना स्टिल यू विल गेट, बिकॉज डिफॉल्ट विल नॉट लेट यू रिसीव अंडर 191. 202 में मिलता है. इज दिस ओके? ना. नेक्स्ट 192 रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजैक्शन. ये ध्यान से समझ लेना, द लास्ट बिग एंड इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजैक्शन? लिसन टू मी केयरफुली. व्हाट दे हैव डन इज दे हैव सेड दैट व्हेन देयर इज अ कंपनी, कंपनी ने ना अपने डायरेक्टर को कोई एक असेट दिया, ठीक है, एंड वी आस्क्ड क्यों दिया, तो उन्होंने कहा वी गेव इट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. डायरेक्टर से पैसे नहीं आए, इट इज़ फॉर कंसिडरेशन, इट्स नॉट इवन फ्री, इट्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. ओके ना, इट्स लाइक अच्छा ऐसा क्यों दिया? सो जैसे कि हमको ना इसने कुछ दिया था बदले में, वी सेड क्या दिया था? आई टेल यू, कुछ नहीं दिया था. द प्लान इज सो दैट अगर हम उसे एक्स्ट्रा रेमुनरेशन देंगे ना गाइस, तो 197 बुरा मान जाएगा. किसी और तरीके से उसको लोन दे दें तो 185 बुरा मान जाएगा. जस्ट ट्राई रिकलेक्टिंग. इन्वेस्टमेंट्स उसके नाम पे खरीद दो तो 187 बुरा मान जाएगा. सो अल्टीमेटली कैसे भी करके ना हम उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे पा रहे थे. तो हमने क्या क्या बोला कि अच्छा तेरे को पैसे नहीं देते, हम तेरे को असेट ही दे देते ना, और ऐसे दिखाएंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश. तो हमने कहा अरे वाह, बड़ी होशियारी की. नाउ लिसन टू मी केयरफुली, द ओनली रूल दैट दे हैव केप्ट ओवर हियर इज इफ यू वांट टू डू दिस ना, तो ये जो असेट आपने दिया वो इस कंपनी का है और कंपनी शेयर होल्डर्स की है. सो यू जस्ट नीड ओआर ऑफ शेयर होल्डर्स टू डू दिस. शेयर होल्डर्स को पूछो तो क्या होगा? शेयर होल्डर्स विल आस्क यू क्या कंसिडरेशन मिला था अदर देन कैश, एंड इफ दैट इज जेन्युइन दे अलाउ, अदरवाइज दे से नो. मेक सेंस? देयर इज वन मोर केस. मैं क्या बोल रही हूँ, कंपनी ने अपने डायरेक्टर को अगर दिया असेट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो ऑब्वियसली वी आर पासिंग एन ओआर एट जीएम, राइट? बट मैं क्या बोल रही हूँ, वॉट इफ कंपनी गिव्स इट टू डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी? Obviously, this OR has to be passed anyhow. Why? Because ये कंपनी का असेट है और कंपनी आर्टिफिशियल है, एंड कंपनी को कोई भी चीज करने के लिए अप्रूवल तो चाहिए somehow. So this OR will be passed. But can this OR authorize holding and its director? No. So you'll have to pass one more OR at holding company's GM. So total दो हो जाएंगे. But subsidiary वाला केस होता तो अपना OR subsidiary को authorize कर देता, तो एक ही OR होता. Is this okay? ये इसमें ना सिर्फ दो points है but बड़े important है. This is first. सेकेंड इज गाइस, लिसन टू मी केयरफुली. ओके, यू नो हर सेक्शन में एक्सेप्शन होते हैं, सो एक्सेप्शन में सेक्शन ही नहीं लगता. ओके, यहाँ पे देर इज नो एक्सेप्शन, देर इज नो एक्सेप्शन टू 192. बट लिसन टू मी केयरफुली, सेकेंड पॉइंट फिर है क्या? सेकेंड पॉइंट इज कॉन्ट्रावेंशन. ठीक है, इफ यू थिंकिंग ये नो एक्सेप्शन बोल के कार्ड क्यों दिया, आई टेल यू आगे बहुत मस्ट ट्विस्ट आएगा. वो एक्सेप्शन है बट वो इसका सेक्शन का नहीं. ओके, कॉन्ट्रावेंशन हुआ मतलब क्या हुआ? वी गेव द असेट विदाउट पासिंग दिस ओआर. तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ ना तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा. वॉइडेबल इफ यू अंडरस्टैंड, इट कैन बी मेड वॉइड ऑल्सो, इट कैन बी मेड वैलिड ऑल्सो. बट अब इस वॉइडेबल का एक्सेप्शन है, मतलब इन दोज टू केसेस, देयर आर टू केसेस व्हेन इट विल नॉट बी वॉइडेबल, इट विल बी वैलिड. क्योंकि वॉइडेबल को वॉइड कर सकते हो ना, इसको वॉइड नहीं कर पाओगे. इफ यू थिंकिंग मैम मतलब वो सेक्शन का ही एक्सेप्शन हुआ ना, नहीं. सी, सेक्शन का एक्सेप्शन वो होता है जिसको हम प्लान कर सकते हैं, इसको हम प्लान नहीं कर सकते. इज दिस ओके? सो एक्सेप्शन इज इट विल बी वैलिड. नाउ द क्वेश्चन इज कैसे वैलिड होएगा ये, कैसे वैलिड होगा? टेल मी. There are two conditions, two exceptions हैं basically. पहला वाला exception में भी दो condition है, second में भी दो condition. पहला वाला, when the reinstating of asset is not possible, reinstating the asset is not possible. Plus compensation has been received. Please याद रखना, if reinstating is possible, then आप ये compensation नहीं ले सकते, तो asset ही लाना पड़ेगा वापस. But reinstating possible ही नहीं है, possible नहीं है मतलब आपने मुझे building दी थी और या फिर लेट्स से आपने मुझे गाड़ी दी थी जो मैंने आगे बेच दी, एंड प्लीज अंडरस्टैंड चोरी की गाड़ी नहीं थी, आई गॉट इट लाइक गुड टाइटल. ओके, सो आई कुड सेल इट. अब जो बेच दी वो वापस थोड़ी देगा. सो रीइंस्टेटिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, एंड कंपनसेशन हैज बीन रिसीव, चलेगा, ये एंड है. या फिर दूसरा, इट वॉज डन इन बोनाफाइड इंटरेस्ट ऑफ कंपनी. ओके, एंड विदाउट नॉलेज ऑफ कॉन्ट्रावेंशन. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो भी वो वैलिड हो जाएगा. इज दिस ओके?
ठीक है. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस. एनी अरेंजमेंट बाय विच डायरेक्टर टू द गिव्स अ सेट टू द कंपनी और कंपनी गिव्स अ सेट टू द डायरेक्टर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. ओके. शैल बी डन ओनली आफ्टर प्रायर अप्रूवल इन GM. लेकिन इफ द डायरेक्टर इज ऑफ होल्डिंग कंपनी देन यू विल रीड वन मोर रेजोल्यूशन एट होल्डिंग कंपनी GM ऑल्सो. एंड एनी कॉन्ट्रावेंशन इट विल बी अवॉइडेबल अनलेस reinstitution of any money or consideration which is subject matter arrangement is no longer possible and company has been indemnified. And ya fir second wala rights acquired are bona fide without notice of contravention. That is the reason I tell you ye sab bahut difficult hota hai to remember. Simple language suna karo. Is this okay? Now coming to the last section of this chapter, ki 194 195 to omitted hai. Okay, so talking about 193 contract by one person company. Suno na, OPC mein kitne member hote hain? ओपीसी में कितने मेंबर होते हैं? एक. कितने मिनिमम? मैक्सिमम एक. और डायरेक्टर कितने होते हैं? मिनिमम एक, मैक्सिमम कैन बी 15. ओके, उसके बाद है सर. ओके, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देयर इज अ रूल, द सिंगल मेंबर ऑलवेज हैज टू बी द डायरेक्टर, कंपलसरी. यू कैन हैव मोर डायरेक्टर्स बट इस मेंबर को डायरेक्टर बनना कंपलसरी. अब जस्ट लिसन टू मी, ओपीसी सेपरेट लीगल एंटिटी है. अगर ओपीसी एंड इस मेंबर के बीच देयर इज अ ट्रांजैक्शन, ओके, सो इफ यू अंडरस्टैंड, इस कॉन्ट्रैक्ट को दोनों साइड से साइन तो सेम इंसान कर रहा है ना, कंपनी के बिहाफ पे भी वही इंडिविजुअल कर रहा है जो डायरेक्टर भी है, एंड अपने बिहाफ पे भी वो खुद ही कर रहा है. सो इफ यू अंडरस्टैंड, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी प्लेड विद एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ना, एंड सच दैट कि इस इंडिविजुअल का फायदा हो एंड ओपीसी विल बी एट लॉस. सो फॉर दैट दिव सेट, सबसे पहले ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इट हैज टू बी इन राइटिंग. अगर राइटिंग में नहीं हो पा रहा है ना, अगर राइटिंग में नहीं हो पा रहा है, सो एंश्योर दैट इसका एक मेमोरेंडम हो. वो भी नहीं हो पा रहा है तो बोर्ड मीटिंग पे डिस्कस करो सो दैट मिनट्स में आ जाए. ओके, एंड इसकी एक कॉपी फाइल होगी ROC के पास. नॉर्मली एवरीथिंग इज फाइल टू ROC विद इन 30 डेज, बट इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते कल को चेंज कर दिया तो. सो इट इज टू बी फाइल विद इन 15 डेज. इतना सा सेक्शन, ठीक है. दिस इज कॉन्ट्रैक्ट विद ओपीसी. नाउ प्लीज रिमेंबर, 190 वॉज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद MDWTD. एंड 193 इज कॉन्ट्रैक्ट विद ओपीसी. देखो 191 192 बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम उसको भूलोगे नहीं. कन्फ्यूजन होता है कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट है MDWTD के साथ और ये भी कॉन्ट्रैक्ट है ओपीसी के साथ. सो द ओनली कन्फ्यूजन दैट हैपेंस इज 193 कौन सा था और 190 कौन सा था. अगर एक्सचेंज हो जाए गलती से तो आई विल गिव यू वन वे टू रिमेंबर. 193 इज ओपीसी, ओपीसी इज 193. दिस विल हेल्प यू अगर आप कन्फ्यूज हुए तो. बट अगर आपका ऐसा है, मेरे को तो सारे मतलब 190 और 193 का कन्फ्यूजन नहीं है, ऐसे ही कन्फ्यूजन है, तो 153, 63, 73 सब सेम है तुम्हारे लिए. बट हाँ, इफ़ यू गेट कन्फ्यूज बिटवीन 190 एंड 193, दोनों कॉन्ट्रैक्ट थे, एक ओपीसी का था एक MDWTD का था. सो 193 इज ओपीसी, तो अपने आप 190 याद आ जाएगा. इज दिस ओके? सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. वेन ओपीसी एंटर्स इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद सोल मेंबर हु इज ऑल्सो द डायरेक्टर, इट हैज टू बी इन राइटिंग. ओके, sorry, it has to be in writing or the terms should be contained in memorandum or at the meeting. ठीक है, exception if it is an ordinary course of business तो फिर नहीं करना पड़ेगा ये सब. एंड इसको रजिस्ट्रार के पास फाइल होता है विद इन 15 डेज. इज दिस ओके? दिस कंप्लीट्स योर सेकेंड चैप्टर ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो द थर्ड चैप्टर.